ही भक्ति उनकी प्रिया है और श्याम सुंदर कन्हैया प्रियतम है। तो भक्ति महारानी यदि हमारे जीवन में आएंगी तो अपने आप ही वो दौड़े चले आएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाह सुकृत नोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान के भक्त कितने होते हैं? 9 प्रकार की भक्ति को करने वाले। वैसे भक्ति अनंत प्रकार से है लेकिन मुख्य रूप से 9 प्रकार की बताई। और उस 9 प्रकार की भक्ति को करने वाले जो भक्त हैं वो 4 प्रकार के बताए गए हैं स्वयं भगवान के द्वारा। भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहला जो मेरा भक्त होता है वो आर्तो माने आर्त भक्त होता है। आर्त भक्त क्या है? संसार में कोई परेशानी आई, जीवन में क्लेश हुआ, दुख हुआ या किसी प्रकार के भय से ग्रसित हुआ, अब बेचारा मारा धारा इधर से उधर डोल रहा है, घूम रहा है, कहीं भी शरण नहीं मिल रही, तो आखिरकार आपको अपने आप की ही याद आती है, फिर किसी और की याद नहीं आती। जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगता है ना कि अब संसार में हमारे लिए कहीं भी कोई सहारा देने वाला, शरण देने वाला नहीं है, तो फिर किसी की याद नहीं आती, फिर आपको अपने आप की ही याद आती है। तो तुम्हारा अपना आप कौन है? अरे तुम्हारा अपना आप तो स्वयं आप ही हो, क्योंकि तुम्हारी अंतर आत्मा में जो तुम्हें चेतना प्रदान कर रहा है वो कोई और नहीं, वो आप ही हो। फिर आपको अपने आप की याद आती है, चूंकि आपने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि आप अपने आप को देख सकें, इसलिए आप मंदिर जाते हैं कि अपने आप को, अपने भगवान को आप मंदिर में जा करके देख पाएं। और मंदिर में जा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैंने जीवन में बहुत गलतियां की, बहुत उल्टे सूधे कर्म किए, लेकिन अब मैं कान पकड़ करके आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ, आज के बाद कभी नहीं करूँगा, लेकिन अब तो मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर लो। तो भगवान बड़े दयालु हैं, गोविंद बड़े कृपालु हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं, बोले बेटा आजा कोई बात नहीं। तो ऐसा डरा हुआ, सहमा हुआ, रोया हुआ, घबराया हुआ जीव भी यदि भगवान के द्वार पर पहुंच जाए आर्त हृदय से, माने सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में निवेदन करे, तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं और अपने आर्त भक्तों की श्रेणी में उसे जगह दे करके सम्मिलित करते हैं। तो नंबर 1 का भक्त कौन सा हो गया? आर्त भक्त। दूसरे नंबर का भक्त कौन सा है? बोले जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? जिज्ञासु वो है जो भगवान के विषय में और इस आध्यात्मिक जगत के विषय में जो हमेशा जानने का प्रयास करता है, उसे कभी संतुष्टि ही नहीं होती, वो हमेशा कुछ न कुछ जानने का और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। उसके मन में किसी न किसी प्रकार की कोई कामना भावना ऐसी बनी रहती है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाए। तो ये क्या है? ये दूसरे नंबर का भगवान का जिज्ञासु भक्त है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। तीसरे नंबर का भक्त कौन सा है? बोले अर्थार्थी। अर्थार्थी माने भगवान की भक्ति तो करता है,
भजन तो करता है, माला तो जपता है, दर्शन करने भी जाता है, पाठ भी करता है, पूजा अर्चना वंदना सब कुछ करता है, लेकिन वो सब कुछ करते हुए उसके मन में कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण रहता है कि हे प्रभु, मैं इतने दिन से पाठ कर रहा हूँ, मेरा ये काम बन जाना चाहिए। माने सांसारिक कोई लोभ उसके मन में छुपा होता है। 41 दिन उपवास तो करेंगे, 21 दिन हनुमान चालीसा का पाठ तो करेंगे, लेकिन एवज में हमारा काम बन जाना चाहिए ऐसी भावना भी करेंगे। मंदिर में जाएंगे, भगवान के दरबार में जाएंगे, लेकिन मन में जरूर कामना होती है कि दर्शन करने से हमारा ये काम बन जाए। तो देखो, संसार में इस प्रकार के भक्तों की संख्या ज़्यादा है। भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति के पीछे उनके मन में सांसारिक विषयों की, सांसारिक वस्तुओं की कामनाएं छुपी होती हैं, धन इत्यादि, अर्थ इत्यादि की। इसलिए उन्हें भगवान ने तीसरी श्रेणी में रखा है, अर्थार्थी। माने ज्यादातर भगवान के जो भक्त होते हैं वो अर्थार्थी ही होते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अब चौथे नंबर का भगवान का कौन सा भक्त है? तो बोले ज्ञानी च भरतर सभ। जिसे संसार का ज्ञान हो गया है, जो जानता है संसार अनित्य है, संसार अशाश्वत है, संसार में कुछ नहीं है। अरे जिन भोगों को, जिन वस्तुओं को, जिन पदार्थों को मैं इतने वर्षों से भोग रहा हूं, इतने वर्ष हो गए भोगते भोगते, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, तो अब जो 10-20 साल मेरे पास बचे हैं उनमें मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसे अपने मरने से पहले ही संसार का और संसार की वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, और उसे अद्भुत अलौकिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जैसे ही ज्ञान प्रकट होता है, जैसे ही उसकी दृष्टि में संसार जीरो हो जाता है, वही वास्तव में ज्ञानी च भरतर सभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन भैया, वही भक्त मेरा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही ज्ञानी भगत है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञानाग्नि जिसके अंदर प्रज्वलित हो जाती है, उसके सारे कर्म अकर्म सुकर्म विकर्म जल करके उसी समय भस्म हो जाते हैं। और जब हमारे कर्म ही नहीं रहे, न शुभ रहे न अशुभ रहे, तो फिर हमारा जीवन और मरण कैसा? फिर न जन्म होता है और ना ही मरण होता है। फिर तो हम शाश्वत अपने गोविंद के चरणों में, शाश्वत भगवान गोविंद के ही अंदर लीन हो जाते हैं। माने अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। अब इसी बात को श्री तुलसीदास जी रामायण में समझा रहे हैं कि भैया भगवान के चार ही प्रकार के भगत होते हैं। राम भगत जग चार प्रकारा, सो कृति चरेउ अनघ उदारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृत चारिउ अनघ उदारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो देख
देखो श्री रामचरितमानस में भी भगवान के चार ही प्रकार के भगत बताए हैं। संसार में चार ही प्रकार के भक्त होते हैं और ये चारों ही प्रकार के भक्त श्रेष्ठ हैं। आप अपने आप को कौन सी श्रेणी का भक्त मानते हो, अब ये आप अपने अंदर अंदर कैलकुलेशन कर लेना। आप भगवान के आर्त भक्त हो या आप भगवान के जिज्ञासु भक्त हो या आप भगवान के अर्थार्थी भक्त हो या आप भगवान के ज्ञानी भक्त हो। अब मुझे तो कोई ज्ञानी भगत लग नहीं रहा है, मैं तो स्वयं भी अभी ज्ञानी भगत नहीं, क्योंकि जब तक कामना नहीं होगी तब तक कर्म नहीं होगा। भाई कामना होगी तो आगे कर्म होगा, जब कामना ही नष्ट हो गई तो फिर कर्म होने का मतलब ही नहीं है। इसलिए यदि आपके मन में सांसारिक कामना है तो आप भक्ति करते हैं तो भी श्रेष्ठ है। माने भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से की जाए वही श्रेष्ठ है, ऐसा माने। और अगर कुछ नहीं होता है तो आप अपने केवल अपने मन को ही समझा लो, केवल आप अपने मन की तरंगों को ही मार लो, इतने मात्र से ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि हमारे मन में संसार के प्रति अनेकों प्रकार की तरंगें उठती हैं, उन तरंगों को यदि हम मार लें तो वास्तव में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है, आपको हम लेकर के चले। आप भी हमारे साथ अपने मन की तरंगों को इस भाव के माध्यम से मारने का प्रयास करें। तो देखो, यदि हमसे कोई पाठ नहीं होता, कोई पूजा नहीं होती, कोई अर्चना वंदना नहीं होती, तो हमारे मन में जो अनेकों प्रकार की सांसारिक तरंगें उठती हैं, जो बार बार हमें बाहर की तरफ खींचती हैं, केवल उन तरंगों को भी हम लोग मार लें तो भी वास्तव में हमारा भजन, हमारा जीवन सार्थक है। तो प्रेम से बोलो राधे। और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने मन की तरंगों को मारने के लिए ही वास्तव में भगवान गोविंद की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। भक्ति महारानी का हमारे जीवन में आगमन हो इसलिए हम लोग भगवान की कथा श्रवण करते हैं। आज भक्ति महारानी के जीवन में कष्ट आया, दुख आया, तो देखो भगवान ने कृपा करी, संत श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी के आगमन से भक्ति महारानी के जीवन में आप सब लोग जानते हैं कि मंगल हुआ। जब संत हमारे जीवन में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से मंगल होता ही है। नारद जी के जीवन में भी संत ही आए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई भी संत हैं। नारद जी भी संत हैं, चारों भाई भी संत हैं। तो चाहे संत के जीवन में संत आए, ये साम संस्मरणात पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्त वै गृहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पाद शौचासनादि भी। राजा परीक्षित के जीवन में भी श्री सुखदेव जी महाराज संत ही तो आए। नंद बाबा के यहाँ लाला नहीं हो रहा है, इतने वर्ष व्यतीत हो गए विवाह हुए, तो नंद बाबा के जीवन में भी संत श्री गुरु सांडिल्य ऋषि जी ने कृपा करी, आशीर्वाद दिया संत ब्राह्मणों को लेकर के, तभी तो लाला प्रकट हुए। राजा दशरथ के यहाँ मंगल नहीं हो रहा है,
तीन तीन रानियां हैं लेकिन फिर भी किसी प्रकार का आनंद नहीं है। श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया तब जाकर के चार चार लाला आए कौशल्या के भवन में। तो संतों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। संतों का आशीर्वाद यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में मंगल हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे। तो भक्ति महारानी के जीवन में संत आ गए, श्री नारद जी आ गए, सनकादियों से मिले, सनकादियों ने बताया भैया नारद वो सत्कर्म जिसे आप ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, वो सत्कर्म कोई और नहीं, वो सत्कर्म केवल और केवल श्रीमद् भागवत कथा ही है, मेरे गोविंद की कथा ही है। और वो कथा बिना गुरु कृपा के प्राप्त नहीं होती। उस कथा को प्राप्त करने के लिए गुरु कृपा अति आवश्यक है। तो श्री नारद जी ने कहा बाबा हम तो कथा करावे के ताई तैयार हैं लेकिन आप करो तो सही। तो सनकादि मान गए, बोले हम कथा करेंगे आप कराओ तो सही। तो नारद जी ने कहा हम तैयार हैं, कहाँ करोगे, चलो बैठो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। मान लिया कि वेद में वो सामर्थ्य नहीं है, शास्त्रों में वो सामर्थ्य नहीं है, पुराणों में वो सामर्थ्य नहीं है, अन्य धार्मिक ग्रंथों में वो सामर्थ्य नहीं है जो आपकी श्रीमद् भागवत कथा में है। तो चलो बाबा हमको बिठा करके सुनाओ, भक्ति के निमित्त ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति के लिए हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। तो देखो श्रीमद् भागवत कथा के लिए नारद जी यजमान बने। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारे पास पत्नी नहीं है या पत्नी होकर के गुजर गई है तो हम कथा नहीं करा सकते, हम अकेले पूजा कैसे करेंगे। तो भैया ऐसा नहीं है, यदि पत्नी है तो भी ठीक है और नहीं है तो भी ठीक है। भगवान का भजन करने के लिए पत्नी के होने की या न होने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है तो भी ऐसा नहीं है कि आप पूजा नहीं कर सकते, आप पाठ नहीं कर सकते। अरे हमारे ब्राह्मण देवता तो संकल्प से ही पत्नी बना करके प्रकट कर देते। श्री नारद जी यजमान बने और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद मानकम, माने श्री हरिद्वार में गंगा जी के परम पावन तट पर बालुका के अंदर। कौन सी बालुका? अरे वही बालुका, वही रेती, वही बालू जो श्री रमण रेती धाम में हम लोग लोट पोट होकर के आते हैं, जो आनंद लेकर के आते हैं, वही बालुका गंगा मैया की, यमुना मैया की। उसी बालुका में व्यास गादी भी बनाई तो बालुका की ही बनाई, और श्री नारद जी बैठे तो वो भी बालुका में, बालुका के अंदर ही बैठे। और इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि पहले तो श्री नारद जी ही बैठे थे लेकिन श्री नारद जी के बाद में ऐसी लाइन लगी संतों की, जो जो जंगल में अरण्य में भजन कर रहे थे, समाधि में लीन थे, न जाने कितने सदगृहस्थ और न जाने कितने ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी सब चले आए, क्योंकि सनकादियों के श्री मुखारविंद से भगवान गोविंद की कथा का श्रवण मिल जाए इससे बड़ी और कौन सी जीवन की निधि होगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो संतों की कृपा यदि हमारे जीवन में हो जाए तो आनंद हो जाता है। नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई और श्रीमद् भागवत की कथा से ही वास्तव में
भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हुई और हमारे कष्ट की निवृत्ति भी भगवान की कथा से, भगवान के स्मरण से, भगवान की याद से ही होती है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। तो विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है? तो देखो, विपत्ति हमारे लिए संसार में वही है, माने जितनी देर हमें भगवान का विस्मरण हो जाए, जितनी देर हम संतों को, अपने गुरुओं को, उनके उपकारों को भूल जाएं, बस वही घड़ी, वही समय हमारे लिए विपत्ति वाला है। और जब हमें अपने गुरुजनों की, भगवान की याद आती है, तो वही समय वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति वाला है। इसीलिए सब लोग कहते हैं ना कि मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। तो अपने सतगुरु की नौकरी, अपने संतों की नौकरी हमेशा हमें करते रहना चाहिए।